स्वागत है आपका चेंज इंडिया एंड एजेंडा फॉर द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर में। ये हमारा स्पेशल शो है और आज इसका पांचवा कड़ी है। इसकी आज हम फोकस कर रहे हैं स्वास्थ्य हेल्थ सेक्टर पे, किस तरह से प्रधानमंत्री जो नए आएंगे वो नई पॉलिसीज लाएंगे जिससे हेल्थ सेक्टर में बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट हो, बहुत ज्यादा इससे फायदा हो। ये जो एजेंडा है ये एक विशेषज्ञों की समिति ने बनाया है, उनमें से तीन विशेषज्ञ आज हमारे साथ हैं। श्रीमती अंजलि नायर अंतर्राष्ट्रीय कंसल्टिंग फर्म ग्लोबल हेल्थ स्ट्रैटेजीज की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं। डॉक्टर अश्विनी कुमार सेतिया मैक्स हेल्थ केयर में गैस्ट्रो एंट्रोलॉजी के सीनियर कंसल्टेंट हैं और डॉक्टर पार्थ शाह सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी के प्रेसिडेंट, और उनके साथ हैं नेटवर्क 18 के थिंक इंडिया फाउंडेशन के सीईओ धीरज नायर जो कि सारी व्यवस्था के सूत्रधार भी हैं। हमारे साथ एक स्टूडियो ऑडियंस भी है जिसमें कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ट्विटर और वेबसाइट पे जाके अपने सुझाव दिए हैं। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि हमारे अगले शोज में जो आइडियाज आएंगे उन पे आप लोग भी जाइए, हमारी वेबसाइट thinkindia.in.com पे जाइए, इस अभियान के साथ जुड़िए, ट्विटर पे हमको सुझाव दीजिए और हम अगले शोज में आपको भी बुलाएंगे। तो आइए देखते हैं कि पहले हमारे जो दो पॉइंट हैं प्रधानमंत्री के लिए हेल्थ पे वो क्या है। एक तो है कि जो हम पब्लिक स्पेंडिंग करते हैं हेल्थ पे वो बहुत कम है, 2% ऑफ जीडीपी है, जबकि वो 4 हम कह रहे हैं उसको बना दीजिए, अगले 5 साल में 2% से 4% तक तो उसको पहुंचाइए। और उसके साथ जो जुड़ा हुआ पॉइंट है कि जो आप ट्रांसफर करते हैं रिसोर्सेज डिफरेंट स्टेट्स को, उनको आप इस तरह से लिंक करिए कि वो स्टेट्स की परफॉर्मेंस पर डिपेंडेंट हो। अब उसमें कई लोग कहते हैं कि जो गरीब स्टेट है उसको कम नहीं मिलना चाहिए और वो पॉइंट बिल्कुल जायज है, तो हम ये कह रहे हैं कि एब्सोल्यूट लेवल पे ट्रांसफर मत कीजिए, लेकिन जो स्टेट परफॉर्मेंस अच्छा करती है, जिसका परसेंटेज चेंज ज्यादा है, उसको उस तरह से इंसेंटिवाइज किया जाए। तो ये है हमारे पहले दो पॉइंट प्रधानमंत्री के लिए। डॉक्टर सेते आप बताएं, दोनों में इसके साथ डिसएग्री तो खैर कोई नहीं कर सकता, लेकिन होगा कैसे ये? जो एक्सपेंडिचर है वो अल्टीमेटली वो फाइनेंस मिनिस्ट्री और वो करेंगे कि कैसे इसको लाना है, पर मेरा अपना विचार ये है कि इसको हमको फोकस तरह से अलग अलग पहलुओं को विचार में रखते हुए अलग अलग कैटेगरीज पे स्पेंड करना चाहिए। और चूंकि हेल्थ एक मैटर ऐसा है जो कि हर टाइम सरकार ही नहीं कर सकती है, तो उसके अंदर बीमा लाना जरूरी है। जी हाँ, ये हमारे दो पॉइंट एक्चुअली हमने स्पेसिफिकली भी बोला है कि एक तो बीमा बहुत जरूरी है और उसका जो स्तर है उसको खूब बढ़ाइए, और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में आप और रिसोर्सेज दीजिए। आज क्या होता है कि सरकार फ्री लैंड दे देती है हॉस्पिटल को, हम कह रहे हैं फ्री लैंड के अलावा उनको फाइनेंसिंग भी कीजिए, मैनेजमेंट प्राइवेट रहने दीजिए, लेकिन सरकार को जिस तरह दिल्ली एयरपोर्ट में सरकार करती है, जिस तरह पोर्ट्स में भी सरकार करती है, रोड्स में भी सरकार करती है, आके फाइनेंशियल पार्टिसिपेशन भी करें। तो एक तरह से ये हो सकता है कि सरकार ही आपके बिहाफ पे वो बीमा की जो राशि है वो दे। जी, जैसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना है जिसमें 16,000 करोड़ रुपए करीब करीब 24 करोड़ लोगों को कवर कर रहे हैं, उसके अंदर जो प्रीमियम है वो सरकार पे कर रही है। जी, लेकिन जो प्राइवेटली भी, मेरा एक नुक्ता ये रहेगा कि प्राइवेटली भी जो हमारी जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनको नई प्रोडक्ट्स लानी चाहिए, क्योंकि आजकल जो इंश्योरेंस है वो केवल दाखिले के लिए ही इंश्योरेंस के लिए पैसे देती है, और जो ओपीडी सर्विसेज हैं जो बाह्य रोगी विभाग है उसके अंदर वो पैसे नहीं देती है। मिसेस नायर, आपका वो जीडीपी जो बढ़ोतरी दे स्टेट एक्सपेंसेस में वो तो बिल्कुल सही है, और वो प्लानिंग कमीशन ने फिलहाल कहा है कि भाई 12th 5-year प्लान में सिर्फ 2.5% करेंगे जी। और जरूर ज्यादा हो सकता है, साउथ अफ्रीका ब्राजील जिसे हम तुलना करते हैं वहां पे 4% है और काफी देर से है, और कुछ सिस्टम्स भी बना सकते हैं जैसे आजकल एजुकेशन सेस है, कुछ हेल्थ सेस कर सकते हैं, तो कई तरीके हैं, अगर करना चाहें तो जरूर कर सकते हैं। और दूसरी बात जो इंसेंटिव सिस्टम है मैं बिल्कुल मानती हूं, और RSPY स्कीम भी हाँ बहुत अच्छी चल रही है, एक खाली देखना पड़ेगा कि हमारी स्टेट्स में अलग अलग स्टेट्स के परफॉर्मेंस है। अब जैसे तमिलनाडु देखो, केरला देखो उसमें बहुत अच्छे, और यूपी बिहार तो आजकल अच्छा है, बट यूपी देखो तो उसमें बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो उस हिसाब से RSPY जब हम ये स्टेट्स के साथ तय करते हैं तो कुछ डिजीज प्रोफाइल्स और बढ़ाने चाहिए, जैसे आजकल मुंबई में टीबी का काम ज्यादा हो रहा है, तो RSPY क्या टीबी से लिंक कर सकते हैं, तो वो थोड़ा देखना पड़ेगा। पार्थ, हम लोग एजुकेशन में भी काम करते हैं शिक्षा के क्षेत्र के अंदर, और वहां हमारा अनुभव रहा है कि जब सरकार ने जीडीपी एक परसेंटेज बढ़ा दिया फ्रॉम 2.5 टू 3.5 टू 4%, तो ज्यादा हमने स्कूलें बनाई, शिक्षकों को हायर किया, लेकिन वहां एजुकेशन नहीं हुआ जी। तो मेरा सबसे बड़ा कंसर्न यही रही है कि अगर पैसा बढ़ा देंगे हम
तो क्या उसका नतीजा भी निकलेगा कि नहीं, तो फिर नतीजे का किस तरह से कंट्रोल किया जाए, किस तरह से उसका ऑडिट किया। तो एक बात यह है कि जो अपने पीपी की बात की कि जैसे हम हाउ डू वी मेक प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट, उनकी जो एफिशिएंसी है उसको किस तरह से हम यूज करें सर्विस डिलीवरी करें, तो आप उसका समर्थन करेंगे कि जो गवर्नमेंट फाइनेंसिंग है डायरेक्ट गवर्नमेंट ना स्पेंड करके पीपीपी मॉडल्स में करें जिसमें गवर्नमेंट इन्वेस्ट करे लेकिन मैनेजमेंट प्राइवेट रहे। ये तो जो हेल्थ का हो गया जो, और जो पब्लिक हेल्थ है या तो उसमें शायद आई थिंक ज्यादा पैसा खर्चने जरूर है, जो वहां वैक्सीनेशन के लिए है, टीबी मलेरिया के जो है डिजीजेस है, सैनिटेशन और एक्सेस टू क्लीन वाटर का जो सवाल है, तो वो तो हमें वहां पैसा खरीदना पड़ेगा। वहां आप कह रहे हैं डायरेक्ट सरकार खर्चा करे, स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ करे क्योंकि प्रोग्राम स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं, लेकिन जहां पे स्पेशलिस्ट केयर की बात है वहां पे पीपीपी मॉडल में सरकार एक इन्वेस्टर और सपोर्टर की तरह रहे, चलाने की ज्यादा कोशिश ना करें, मॉनिटर रहे, तो सरकार मॉनिटर करे उसको कि सर्विस ठीक से मिल रही है नहीं मिल रही है, क्वालिटी कैसी उसकी रही है और कोई प्रॉब्लम है कि नहीं उसके अंदर। और यहां पर एक अच्छा जो आइडिया है उसको हेल्थ वाउचर का कि जहां सीधा पैसा दिया जाता है लोगों को और वो खुद अपनी सर्विसेज फिर परचेज करते हैं प्राइवेट और गवर्नमेंट सप्लायर से, तो आई थिंक वो एक आइडिया यहां भी लगा सकते हैं हम जैसे हमने एजुकेशन में लगाया हुआ है स्कूल वाउचर का, सीधा यहां पे हेल्थ वाउचर का। तो अब मैं ऑडियंस के पास आना चाहूंगा, आप बताएं ये जो दो मुद्दे हमने रखे हैं, एक तो है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को ज्यादा दीजिए जिससे गवर्नमेंट फाइनेंसिंग जिसमें पार्टिसिपेट करे प्राइवेट मैनेजमेंट में, और दूसरा जो है कि जो बीमा स्कीम्स हैं इनको बहुत ज्यादा बढ़ाया जाए, तो आपके विचार। यस, सिर्फ GDP बढ़ाने से फायदा नहीं है, इट्स लाइक यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज शुड बी प्रॉपर, लाइक एग्जाम्पल प्राइमरी हेल्थ सेंटर में ऐसा ना हो कि कोई बहुत ही स्पेशलाइज्ड OT सेंटर बनाया जाए जिसका फायदा नहीं है, क्योंकि इतना MD डॉक्टर्स ओनली MBBS आर देयर, MD डॉक्टर्स आर नॉट देयर, सो देयर शुड बी प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्स। तो ऑडिटिंग और मॉनिटरिंग की जो बात हुई वो तो बहुत ही जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये सब जो हम लोग काम करेंगे इसके बाद क्या कोई ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम है, क्या कोई शिकायत दर्ज करने का कोई ऐसा विभाग है जहां से हमको एग्जैक्टली पता चले कि कितना काम हो रहा है और किस लेवल पे काम हो रहा है? नहीं, बिल्कुल, वो आपका पॉइंट बिल्कुल जायज है और वो आगे आता है तो उस वक्त हम आपके पास आएंगे बात करने के लिए। छोटा सा पॉइंट मैं देना चाहूंगा कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसके लिए कोई इंसेंटिव नहीं है कि वो प्रिवेंटिव सर्विसेज को फाइनेंस करे, तो प्राइवेट सेक्टर जो है वो क्यूरेटिव सर्विसेज यानी पेशेंट्स को ट्रीट करना वो उसके बस का है, क्योंकि उसमें बिजनेस देखता है, उसके अंदर उसको पैसे मिलते हैं। लेकिन जो प्रिवेंटिव सेक्टर है, जो प्रिवेंशन है, उसके लिए अलावा इसके कि सरकार पैसे खर्चे और कोई विकल्प ही नहीं है। एक बात है कि सरकार खर्च रही है, पर जो सर्विसेज, जो सहूलियत प्राइवेट सेक्टर में अवेलेबल है वो पब्लिक सेक्टर में भी होनी चाहिए। अब आप प्रिवेंशन की बात करते हैं और वैक्सीन की अगर बात करते हैं, तो कई ऐसी वैक्सीन हैं जो प्राइवेट सेक्टर में, अगर मेरे पास पैसे हैं तो मैं अपने बच्चे को ले जा सकती हूं और वो वैक्सीनेशन करवा सकती हूं, और पब्लिक सेक्टर में वो नहीं है, बल्कि कई देर बाद पब्लिक सेक्टर में अभी एक नई वैक्सीन इंट्रोड्यूस करिए, तो वो जरा फोकस देखना कि भाई इक्विटी हो दोनों तरफ, दोनों में इक्विटी हो। आपके पास, आप कोई पॉइंट बोल रहे थे जी? एक्चुअली आई वांटेड टू ब्रिंग अप दिस पॉइंट कि दिस वन थिंग हम गवर्नमेंट से मैंने ले, व्हाई डोंट वी यू नो हैव सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड जो ग्रामीण बैंक्स एंड ऑल बेसिकली माइक्रो फाइनेंस से, व्हाई डोंट वी जनरेट फंड्स यूजिंग दैट, सो कम्युनिटी एफर्ट थ्रू माइक्रो फाइनेंसिंग। एग्जैक्टली, मुझे ये कहना है कि जितने भी मिडिल क्लास फैमिली हैं जो भी इंडिया में है, तो जरूरी नहीं है कि हर के पास इंश्योरेंस है, लेकिन फिर भी उन्हें ऐसा लगता है कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाएं जहां पे उनका इलाज ज्यादा अच्छे से हो। तो क्या, और हमेशा देखा गया है कि अगर सपोज दैट हम एक हॉस्पिटल की बात करें तो वहां पे ऑपरेशन का चार्ज अगर कुछ एक्स है तो दूसरे हॉस्पिटल में उसका चार्ज उससे ज्यादा वाई है, तो क्यों ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक चेक होना चाहिए जहां पे एक समानता आनी चाहिए कि सबका रेट ऑलमोस्ट एक हो? मुझे ये पूछना था कि ये जो बीमा है, इवन मिडिल क्लास पीपल जिनके पास होती है, द कंपनीज वो हमेशा ऐसे कोई पॉइंट देख लेते हैं जिससे बीमा नहीं मिलती, तो जो मैंने देखा है एंड एक्सपीरियंस किया है, पॉलिसी है बट एक लूप होल होता है जो हमेशा मिल जाता है, तो बीमा होने का फिर फायदा हुआ नहीं। हाँ, तो बीमा कंपनी का आज आप रिप्रेजेंटेटिव यहाँ लेके नहीं आए हो धीरज, तो ये सवाल आप ही के पास जाता है। इंश्योरेंस सेक्टर में हमारे देश में प्रॉब्लम है, कंपटीशन नहीं है काफी, तो अगर इस सेक्टर को ज्यादा तक सरकारी कंपनियां, एक दो तीन प्राइवेट कंपनियां बड़ी, अगर इसका सोल्यूशन खाली है कि इंश्योरेंस में ज्यादा कंपटीशन लिया जाए, हमारे दूसरे किसी शो में आएगा FDI का इशू, हमने बोला भी है कि पूरी तरह FDI लिबरलाइज करें इंश्योरेंस में, आने दीजिए, जितने ज्यादा कॉम्पिटिशन होगा उतने ज्यादा सर्विस मिलेंगे लोगों को और लोगों को बाहर
छोड़ नहीं देंगे, मतलब आज की कंपनियां क्योंकि उनके पास इतना बिजनेस है कि वो बोल सकते हैं आपको नहीं देंगे, आपको नहीं देंगे, लेकिन जो नई कंपनियां आएंगी बहुत ज्यादा आएंगी, कंपटीशन से ये बढ़ेगा। जैसे और सरकार का रोल होना चाहिए कि खर्चे, लेकिन सरकार का हमने शिक्षा में भी देखा जब खर्चते हैं तो बिल्डिंग खड़ी कर देते हैं, लेकिन इनपुट पे फोकस रहता है, आउटकम पे नहीं रहता है। तो लेकिन अगर बीमा में इन्वेस्ट करें, अगर प्रिवेंटिव में इन्वेस्ट करें तो आउटकम भी देखा जा सकता है। तो सरकार की स्पेंडिंग आउटकम ओरिएंटेड होनी चाहिए, मींस पे ज्यादा फोकस नहीं होना चाहिए। अगर प्राइवेट सेक्टर को भी देना हो पैसा दे दे, तो उसमें इसमें आइडियोलॉजी की बात हम छोड़ दें कि हेल्थ सर्विस सरकार को ही देनी चाहिए, क्योंकि आप इस ऑडियंस से पूछ लीजिए या गांव वाली ऑडियंस से पूछ लीजिए, सब चाहते हैं कि प्राइवेट डॉक्टर उनको देखे। ठीक है, तो अब ये आपने देखा हमारे पहले दो पॉइंट थे प्रधानमंत्री के लिए, जिस पे आपने चर्चा भी देखी और ऑडियंस ने किस तरह से पार्टिसिपेट करा। आप हमारे साथ बने रहिए, हमारी वेबसाइट पे जाइए www.thinkindia.com, अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दीजिए और थोड़ी ही देर के बाद हम ब्रेक के बाद लौटेंगे। वेलकम बैक, चेंज इंडिया एन एजेंडा फॉर द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। और आज चर्चा का विषय है हमारा बीमार हेल्थ सेक्टर, इसको किस तरह से, कैसे पॉलिसीज के साथ इसको एक बहुत ही रोबस्ट और स्ट्रांग और हेल्थी बनाया जाए। तो हमारा पॉइंट नंबर वन और टू हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें था कि एक तो सरकारी खर्चा बढ़ाइए, 2-4% कर दीजिए जीडीपी का, और एक इंसेंटिव स्कीम रखिए, बहुत ज्यादा हेल्थ इंश्योरेंस को डीपन कीजिए और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में अस्पताल चलाइए। पॉइंट नंबर तीन जो है वो है कि पैरा डॉक्टर्स, जो कि पूरी तरह से स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं होते, जो 5 साल का कोर्स नहीं करते एमबीबीएस का, वो 2 साल का कोर्स करते हैं और जो बीमारियां सामान्य बीमारियां होती हैं उनको वो इलाज कर सकते हैं। तो पैरा डॉक्टर की स्कीम लाइए, काफी बड़े पैमाने पे लाइए, उनको नए करिकुलम के साथ एजुकेट कीजिए, उनको अच्छा इंसेंटिव और सैलरी भी दीजिए, उनको रूरल एरिया में जाके काम करने को कहिए। और उसके साथ हमारा जो पॉइंट है चौथा, कि एम्स जो कि इतना बड़ा स्पेशलिस्ट टीचिंग हॉस्पिटल है दिल्ली में, वो हर स्टेट में एक एम्स जैसा इंस्टीट्यूट बनाइए, जिससे एक डेमोंस्ट्रेशन इंपैक्ट भी होता है, जिससे टीचिंग सर्विसेज भी बढ़ती हैं। तो ये पॉइंट तीन और चार हैं। पहले मैं ऑडियंस पे आना चाहता हूं, हमारे पास काफी यहां पे स्टूडेंट्स भी हैं। पैरा डॉक्टर पे किसी का पॉइंट है? जी हाँ, आप। सर ये पॉइंट बहुत अच्छा नहीं है। हाँ। जो आप 2 साल की ट्रेनिंग देकर रूरल एरियाज में पोस्ट करने की बात कर रहे हैं, अर्बन एरियाज के लिए फर्स्ट क्लास डॉक्टर्स और रूरल के लिए सेकंड क्लास, ऐसा क्यों होना चाहिए? नहीं, सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास का नहीं है इसमें, इसमें सिर्फ यह है कि वो जो सामान्य बीमारी है उसकी बात कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ सप्लाई कॉन्स्टेंट्स, आइडियल वर्ल्ड में ज्यादा होना चाहिए। गुड इवनिंग, देयर वाज अ पॉइंट रेज्ड बाय डॉक्टर, ही सेड दैट सम डिजीज, सम सिम्टम्स लाइक फीवर, समटाइम्स इट्स मिसडायग्नोस्ड एज समथिंग वेरी कॉमन, whereas it can be a symptom for a very grave disease. So in that case, shouldn't the paradoctors only be dealing with things like wounds and cuts and rather... So, very relevant question, yes. There are lots of questions here. India mein doctors kam hai, aur isi liye paradoctors ka hume zarurat ho raha hai. साथ ही institutions भी ज्यादा होने चाहिए, पर अगर हम साथ ही साथ rural areas में लोगों को aware करें कि अगर वो नॉर्मल बुखार या सिम्टम के प्रति कोई एक या दो स्टेप भी उठाएं तो पैरा डॉक्टर्स की एफिशिएंसी, मतलब उनके काम करने की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। चलिए, और दूसरा आप प्रेशर भी कम होगा। ओके, आप सपोर्ट में, अब मुझे इस तरफ जाने दीजिए। जी हाँ, I don't think paradoctors will do any good because it will be like playing with lives. Okay, so it's the same point coming over and over again. आप में से कितने medical doctors हैं, medical students हैं? हाँ, काफी हैं, तो सब फुल डॉक्टर्स बनना चाहते हैं, पैरामेडिकल डॉक्टर कोई नहीं बनना चाहता है। आपका लास्ट पॉइंट है कोई? बहुत सारे रूरल एरिया में आजकल तो बहुत सारे किट्स वगैरह सब अवेलेबल। अच्छा, हाँ, जल्दी बोलिए अपना पॉइंट। एटलीस्ट जाके रूरल एरिया में वो चीज को डिटेक्ट करके उसको बाहर भेजें, अच्छी जगह हॉस्पिटल भेजें। ठीक, तो ऐसे सेंटर्स तो होने चाहिए। चलिए लास्ट पॉइंट, ऐसा क्यों कि पैरा डॉक्टर को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाए? ऐसा क्यों नहीं कि जो 10-12 के बच्चे हैं उन्हें इतना बेसिक नॉलेज दिया जाए कि वो बेसिक डिजीज को ट्रीट कर सके? अच्छा, नॉन मेडिकल भी बेसिक दिया जाए, क्यों? नॉन मेडिकल भी हो तो जी, अकाउंटेंट भी हो तो All right. Okay. So my question is, where would you categorize para doctors? Being a student, a biotech student, I would like to ask, even in biotechnology, we are being taught about different diseases. Right. That is the
basic knowledge that we are taught about the microbiology. You are talking about training para doctors. Okay. Where so would you categorize them? Question we'll take to the panel. So ye dekhiye bahut hi animated debate hui hai. Kuch in favor, kuch not in favor. Dr. Setia, main janta hu aap in favor nahi hai. To isliye first word to you. नहीं, मेरा पॉइंट तो इन्होंने बना दिया. इन सब ने जो मेजोरिटी ने यही कहा और उसका कारण भी इन सब तरह से आया है क्योंकि जो ये जैसे ये महिला कह रही थी कि हमको उस तरह की ट्रेनिंग देनी चाहिए कि वो डिफ्रेंशिएट कर सके कि कैसा बुखार है. उसके लिए मैं कहता हूँ 5 साल चाहिए, 2 साल नहीं चाहिए. चलिए मिसेस नायर, आप यूर इन दी ऑपोजिट कैंप. आई थिंक या मुझे लगता है सब पैरा डॉक्टर के वर्ड से थोड़े परेशान हो रहे हैं. अब आप देखिए कई देशों में, ये इंडिया की मैंने बात करी, कई देशों में विलेज लेवल पे या कम्युनिटी लेवल पे एक नर्स होती है या ट्रेन्ड हेल्थ वर्कर होता है, उसको इतनी ट्रेनिंग दी जाती है. अब ये नहीं मैं कह रही कि 2 साल की हो या 3 साल की, पर एक करिक्युलम बना सकते हैं कि इतनी एक ट्रेनिंग दे जो मिनिमम डायग्नोसिस कर सके. देखिए सूत्रधार आप हैं, आपको डिफेंड करना है ये पॉइंट, आपने लिखा है ये पॉइंट. आई कैन ऑल्सो हेल्प. तीन मुद्दे हैं मेरे क्विकली. पहला मुद्दा ये है कि जो एक्सपर्ट डॉक्टर है वो भी कभी हमेशा अग्री नहीं करते एक दूसरे से. तो मैं खुद जा चुका हूं मेरे अपने तो गो टू 5 लोगों के पास जाएंगे तो 5 का अलग अलग मंतव्य होगा कि आपको क्या हुआ, उसकी ट्रीटमेंट क्या है. ठीक. तो ये बात भी गलत है कि शायद कि हम एक अच्छे डॉक्टर के पास पहुंच गए वो हमारा ट्रीटमेंट हमारी अच्छी हो जाएगी वहां. ठीक. तो बात बिल्कुल सही गलत है. दूसरा मुद्दा यह है कि आज लोग कहां ट्रीटमेंट ले रहे हैं. हम लोग तो जाते हैं प्रॉपर डॉक्टर के पास, लेकिन ज्यादातर लोग जाते हैं क्वैक के पास. हाँ, तो उसके पास कोई मेडिकल ट्रेनिंग नहीं है. आप दिल्ली में देखेंगे कि 26,000 लाइसेंस मेडिकल प्रैक्टिशनर्स है, लेकिन 40,000 से ज्यादा अनलाइसेंस मेडिकल प्रैक्टिशनर्स है. तो लोग ज्यादा वहीं जा रहे हैं. तो आप सोचिए कि उनको कैसी किस तरह से थोड़ी अच्छी सर्विस मिलेगी. जी. तो अगर हम एमबीबीएस की राहत देखते रहेंगे तो काफी सारे निकल जाएंगे उसके अंदर. तो पैरा मेडिकल डॉक्टर, बैरफुट डॉक्टर, जो भी बता रहे हैं, डिप्लोमा डॉक्टर, वो इज अ गुड इंटरमीडिएटरी सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम. जी, अब ये डिबेट में पॉइंट बिल्कुल इम्परफेक्ट है. तो इम्परफेक्ट सिचुएशन में ये एक तरीका है कि जो सप्लाई का जो बहुत ही बड़ा गैप है इंडिया में उसको कम किया. चलिए मैं इस पॉइंट से आगे मूव करना चाहता हूं, लेकिन क्विक पोल हुआ फॉर पैरामेडिक्स, हाथ उठाइए. अबाउट 40% एंड ऑब्वियसली द अदर्स आर नॉट. सो 40-60 इज द स्टेट ऑफ डिबेट. बट थोड़ी बायस सैंपल है इस ऑडियंस में, मेडिकल स्टूडेंट्स ज्यादा है इसमें. एम्स वाला पॉइंट उसमें इतना शायद उसमें सिर्फ एक सप्लाई ऑफ डॉक्टर्स की बात है. डॉक्टर सेठ क्विकली अगर आप उसको बोलें फिर मैं पॉइंट 5-6 पे जाना चाहता हूं. मैं ये चाहूंगा कि इस तरह के जो इंस्टीट्यूट हैं, इस तरह की संस्थाएं जो है वो हर प्रदेश में हो, क्योंकि सेंटर ऑफ एक्सलेंस का होना आवश्यक है. और रिसोर्सेज मिल जाएंगे, क्योंकि बात रिसोर्स पे आ जाती है. और रिसोर्स पैसे नहीं, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, क्वालिफाइड टीचर्स बिल्कुल मिल जाएंगे अगर उनको इंसेंटिव दें. जी बिल्कुल मिल जाएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि भारतवर्ष में अच्छे टीचर्स नहीं है, अच्छे डॉक्टर नहीं है. जो इनपुट है इस समय कि हमें अपने नए डॉक्टर तैयार करने हैं और उनको हमें एक्सेलेंट रूप में ही तैयार करना है, तो मेरे विचार में इनकी आवश्यकता तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा. और इंसेंटिवाइज करेंगे तो होगा, हो जाए. अब मैं पॉइंट 5 और 6 पे आना चाहता हूं. पॉइंट 5 हमारा है कि यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री को रिस्ट्रक्चर कर दीजिए. कई बार उसका थोड़ा फोकस डिपार्टमेंट्स बना दीजिए. और हमारा सुझाव है कि टीबी, मलेरिया और एचआईवी, ये 3 बहुत बड़े किलर्स हैं इंडिया में, इनके सेपरेट एक वर्टिकल डिपार्टमेंट जिसमें एक्सपर्ट्स जुड़े रहे उनके साथ. और बीमारियों में भी होना चाहिए. ये 3 हमारा सुझाव है. जिस तरह से नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने काम किया, तो एक बड़ा यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री जो आईएएस के कंट्रोल में हो उसको ऐसे स्लाइसेस में बांट दीजिए जिसमें स्पेशलिस्ट आ जाए. और इसके साथ हमारा है कि जो कई सरकारी हॉस्पिटल हैं जो कि अच्छी तरह से काम नहीं कर रहे हैं, उनकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए उनको आप प्राइवेट सेक्टर के साथ जोड़ दीजिए. नॉट फॉर प्रॉफिट मैनेजमेंट के लिए बिडिंग करके उनको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ले आइए. ये 2 पॉइंट है हमारे 5 और 6. मिसेज नायर, मैं ये नहीं कह रही कि स्लाइस करिए मिनिस्ट्री को, बिल्कुल स्लाइस नहीं करिए. मिनिस्ट्री के अंडर 3 डिपार्टमेंट्स होने चाहिए जो सेक्रेटरी हेल्थ को रिपोर्ट करें, ताकि उसमें कन्वर्जेंस हो, एक दूसरे से बात कर सके. और वैसे नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का भी प्रोग्राम होना चाहिए. अब नेशनल रूरल हेल्थ मिशन में तो हालांकि सब कन्वर्जेंस है, पर सब अलग अलग काम करते हैं. टीबी के जो भी काम करते हैं मिनिस्ट्री में और एचआईवी के काम करते हैं, बहुत कम बातचीत होती है. मलेरिया की तो उतनी भी कम बातचीत होती है. तो इससे ये है कि जो टेक्निकल पीपल हैं वो इंचार्ज होंगे, और वो जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, आईएएस ऑफिशियल्स हैं, उनको समझा सकेंगे. राइट. एक तो ये है. और दूसरी बात ये है कि मैं नॉन कोर सर्विसेज का मैं कह रही हूं आउटसोर्स करें. कोर सर्विसेज
जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं, इतने पैसे लगा रहे हैं, तो कोर सर्विसेज तो वहां मिलनी चाहिए ना। बात मेरा ख्याल है कि अगर हम मिशन मोड पे काम करें, मतलब कि जो जो हमारे बड़े डिसीजेस है, जैसे बताया आपने HIV है, मलेरिया है वगैरह, तो डिपार्टमेंट के बजाय उसके मिशन किए जाए, मिशन मोड में उसका काम किया जाए उसके ऊपर, जहां इंडिपेंडेंट अथॉरिटी उसकी होगी, जिनका फिक्स टारगेट होंगे वगैरह, ताकि उनको आप मॉनिटर कर पाए, देख पाए कि वो कहीं सही में काम हो रहा है नहीं हो रहा है। तो आई थिंक वो ज्यादा मुझे अच्छा लग रहा है कि इस तरह से हम ज्यादा अच्छी तरह से उसको हल कर पाएंगे। दूसरा एक बात सही है जो बताइए पहले कि हमें एक्सपर्ट्स जो है हेल्थ एक्सपर्ट्स उसको ज्यादा इन्वॉल्व करना चाहिए गवर्नमेंट एजेंसी और मिनिस्ट्री के अंदर, वो आज नहीं हो रहा है। जो आज डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो चल रहा है वो एक्सपर्ट के बिना चल रहा है। तो आई थिंक ये बात तो बिल्कुल सही है कि हम ज्यादा उनको अंदर लाए। डॉक्टर सेठी, मेरे विचार में इशू जो है वो फोकस का है। अगर जो जानलेवा बीमारियां हैं उनके ऊपर हम फोकस करें, रास्ता चाहे कुछ भी हो, और उसमें अगर मान लिया हम एक्सपर्ट्स की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो, तो फोकस की वजह से वो उसको हम एड्रेस कर पाएंगे उन सब बीमारियों को। और दूसरा पॉइंट, मैं इस प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बहुत ज्यादा फेवर में हूं, क्योंकि हम जो एक्सपर्टीज मान लिया प्राइवेट सेक्टर में उपलब्ध है, चाहे वो ट्रीटमेंट है, चाहे वो इवन अदर कोर सर्विसेज हैं, तो उनको हम उनसे ले लें। जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो उसके फाइनेंशियल्स हैं, वो उसका कोई ना कोई रास्ता अपने आप उपाय निकल जाएगा, उसमें कोई इतनी ज्यादा इनसरमाउंटेबल प्रॉब्लम नहीं है। वो एक ऑडियंस पोल में लेना चाहता हूँ, कौन आप में से कितने इन फेवर हैं कि जो सरकारी अस्पताल हैं जो ठीक से नहीं चल रहे हैं उनको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में लाके मैनेजमेंट को आउटसोर्स कर दिया जाए। तो ये तो नियरली 100% हो गया है। तो प्रधानमंत्री के लिए ये तो अनिवार्य है कि ये जो सपोर्ट वो देख रहे हैं तो उसको वो सुने। आप हमारे साथ बने रहिए, छोटे से ब्रेक के बाद हम आते हैं। तब तक आप हमारी वेबसाइट thinkindia.in.com पे जाइए और अपने सुझाव बांटिए। वेलकम बैक टू चेंज इंडिया एन एजेंडा फॉर द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। आज हम चर्चा कर रहे हैं अपने बीमार हेल्थ सेक्टर को किस तरह प्रधानमंत्री एकदम हेल्दी बना सकते हैं और क्या पॉलिसी इनिशिएटिव्स वो लेंगे। 6 इनिशिएटिव्स हम उन्हें दे चुके हैं, अब हम आते हैं अपने 7वें इनिशिएटिव पे, और 8वें और 9, 7, 8, 9 जो हैं वो तीनों हैं रेगुलेटरी स्ट्रक्चर से रिलेटेड। तो मैं तीनों पढ़ देता हूं और फिर पैनल के पास जाऊंगा। एक तो है कि जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है उनकी जो हेल्पलाइन है वो उनको 24 आवर रखनी चाहिए और उसकी मॉनिटरिंग और ट्रांसपेरेंसी एकदम हाईएस्ट लेवल की होनी चाहिए, जिससे कि जो भी कंप्लेंट आती है उसका जल्दी से वो सुलझाई जाती है और लोगों को पता चलता है कि जो मैंने कंप्लेंट करी है उसका स्टेटस क्या है। ये पॉइंट जो अगर आप हमारा सीरीज फॉलो कर रहे हैं तो ये पॉइंट ऑन ई गवर्नेंस हर सरकारी डिपार्टमेंट में आ रहा है। तो ये शायद प्रधानमंत्री के लिए एक नंबर वन एजेंडा होगा अमंग्स द अदर थिंग्स दैट ही हैज टू एड्रेस, कि किस तरह से ई गवर्नेंस को इतना बढ़ाया जाए। दो अदर पॉइंट्स हैं, एक तो है डेजिग्नेटेड कंज्यूमर कोर्ट्स बनाइए जो कि स्पेशलिस्ट हेल्थ पे हो, मेडिकल नेग्लिजेंस पे हो, और उनमें सिर्फ जजेस ना हो, हेल्थ एक्सपर्ट्स भी उन मेडिकल ट्राइब्यूनल्स और कंज्यूमर कोर्ट्स में हो, जिससे जो मेडिकल नेग्लिजेंस के या ड्रग स्पूरियस ड्रग्स के केस आते हैं उनको हैंडल किया जा सके। और तीसरा है एक इंडिपेंडेंट टेक्नोलॉजी असेसमेंट बोर्ड बनाया जाए, जिससे जिस तरह की आजकल अब्यूजेज इंडिया में हो रही हैं कि एंटीबायोटिक्स लोग अपने आप ले लेते हैं, जिससे इंडिया में रेजिस्टेंट हो रहा है, काफी हमारी डिजीजेस रेजिस्टेंट हो रही हैं, तो और किस तरह के डायग्नोस्टिक बेंचमार्क होना चाहिए, कितने एक्सरे करने चाहिए, कितने कैट स्कैन होने चाहिए एक हॉस्पिटल में पर पेशेंट वगैरह, ये सारे स्टैंडर्ड जो हैं वो बोर्ड बनाए। तो ये हमारे तीन रेगुलेटरी रिकमेंडेशंस हैं। मैं पहले डॉक्टर सेतिया के पास जाऊंगा और फिर अपने पैनल के दोनों एक्सपर्ट्स के पास। जो पॉइंट 7वां और 8वां है मैं उसको इकट्ठा लेना चाहूंगा। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की जो आपने वेबसाइट की बात करी बिल्कुल उचित है और मैं इसके पूर्ण रूप से इससे सहमत हूं कि वो 24 घंटे चलनी चाहिए और वेबसाइट पे लाने से ट्रांसपेरेंसी भी आ जाएगी। मेरा मानना ऐसा है कि अगर हम मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को कुछ लीगल अधिकार दे दें तो जो डॉक्टर्स के खिलाफ जो कंप्लेंट्स हैं जो वो वैसे सेटल करती हैं लेकिन उनको कोई मुआवजा नहीं दिला पाती हैं तो वो दिलाना आसान हो जाएगा और डुप्लीकेशन ऑफ वर्क कम हो जाएगा। यानी वही चीज अगर कंज्यूमर कोर्ट करता है और वही MCI कर दे अपने डिफरेंट चैप्टर्स के थ्रू तो वो बहुत ज्यादा आसान बात हो जाएगी। एक आर्बिट्रेशन मैकेनिज्म सा बन जाता है और आप ध्यान रखिए कि उस समय वहां पे MCI में एक्सपर्ट्स हैं। ये लाइफ और डेथ और डिजीज जो है वो बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट है, उसको
नॉन डॉक्टर्स बता पाना कि क्या गलत है क्या सही है वो बड़ा थोड़ा मुश्किल का काम है। ज्यादातर कंप्लेंट जो है वो नेग्लिजेंस की कंप्लेंट्स इसलिए आती हैं कि परसेप्शन वो होती है कि ये नेग्लिजेंट हुआ। कोई भी बीमार ठीक होना चाहता है, मरना नहीं चाहता है। जब उसके अभिभावक ये देखते हैं कि पेशेंट ठीक नहीं हुआ या मर गया, जो कि एक नॉर्मल सी बात है, हो जाता है बहुत बार, तो वो सोचता है कि ये डॉक्टर की लापरवाही की वजह से। एक्सपर्टीज इसमें बहुत जरूरी है। दिस कैन नॉट बी लाइक एनी अदर कि आपका टीवी खराब हो गया या आपका वो, इट कैन बी अ कंज्यूमर कंप्लेंट लाइक दैट। तो बहुत भारी डिबेट है इस इशू पे। और कोई पॉइंट आप? जी, पॉइंट मेरा ये था कि अगर मान लिया हम इस तरह के ये टीथ दे देते हैं इनको, एमसीआई को, तो जो कंज्यूमर कोर्ट है जो बहुत ओवरबर्डन है आज, स्पेशली मेडिकल नेग्लिजेंस की कंप्लेंट के अगेंस्ट, उनका भार बहुत कम हो जाएगा। राइट, मिसेस नायर। मैं बिल्कुल सहमत हूँ और जो भी आप कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं थोड़ा सा पीछे हटना चाहती हूँ और पूरे रेगुलेशन के बारे में कहना चाहती हूँ। हमारे जो सिस्टम में एक प्रॉब्लम ये है हेल्थ सेक्टर में कि जो रेगुलेटरी रेकमेंडेशंस जो आती रही हैं वो पूरी तरीके से नहीं हुई हैं। और ये नहीं कि भाई कोई बाहर के तंग है, खुद मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स भी काफी परेशान है कि रेगुलेटरी सिस्टम नहीं स्ट्रेंथन हो रहा। और रेगुलेटरी सिस्टम हमारा बहुत बटा भी हुआ है, और बटा हुआ है, कई कुछ दूसरी मिनिस्ट्री में है, कई कुछ मिनिस्ट्री में, और पॉलिटिक्स की वजह से एक मिनिस्ट्री के अंडर नहीं आ सकते हैं। जो हेल्थ से जो स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं वो स्वास्थ्य मिनिस्ट्री के अंडर होने चाहिए सारे। तो कुछ रेगुलेटरी रेकमेंडेशंस हैं वो बिल्कुल ठीक करनी चाहिए। अब जैसे आजकल हमारी रिसर्च क्लिनिकल ट्रायल्स के ऊपर बहुत शोर शराबा है, लेकिन अगर हम स्ट्रेंथन नहीं करेंगे तो शोर शराबा से ये तो नहीं है कि हम रिसर्च बंद कर देंगे। अगर रिसर्च बंद कर देंगे तो हमको सस्ती दवाइयां वैक्सीन नहीं मिलेंगी। ये जो इंटर मिनिस्ट्रियल इशू, ये भी जैसे ई गवर्नेंस का इशू है, ये इंटर मिनिस्ट्रियल इशू भी हमारे सारे एजेंडा में दिखाई देता है, और इसके लिए प्रधानमंत्री को अपना अथॉरिटी स्टैम्प करनी पड़ेगी। बिल्कुल, और उनको जो है पूरा स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा, और जो नई रास्ते में आता है तो उसको लिटरली स्टीम रोल करना पड़ेगा। कहें तो नवा पॉइंट पे मैं एक छोटा सा टेक्नोलॉजी असेसमेंट बोर्ड पे, इस बोर्ड की स्थापना से पहले मेरे विचार में हम लोगों का, हम मतलब डॉक्टर्स का ये दायित्व है कि हम कुछ गाइडलाइंस बना के उसके अकॉर्डिंग काम करें कि जो एंटीबायोटिक्स का इंडिस्क्रिमिनेट यूज नहीं हो। फॉर एग्जांपल, जो आप रेगुलेटरी बात कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन सेल्फ रेगुलेशन भी आवश्यक है। जी, और दूसरी चीज ये है कि ओवर द काउंटर सेल्स ऑफ मेडिसिन शुड बी कंप्लीटली बैंड। जी, बात आई थिंक काफी कुछ अच्छी बातें बताई गई यहाँ पे। मैं कहूंगा एक बात यह है कि जो इंडियन मेडिकल काउंसिल है उसकी जो डिसिप्लिनरी कमेटी जो है उसमें ज्यादातर डॉक्टर ही बैठे हुए हैं, तो उसमें क्या होता है कि डॉक्टर खुद तय करते हैं कि किसी डॉक्टर को पनिश करना है कि नहीं करना है, उनके माल प्रैक्टिस हुई कि नहीं हुई। तो आई थिंक एक बड़ा चेंज वहां में लाना चाहिए कि ऑर्डिनरी सिटीजन्स जो है उसको, वो भी वहां मेंबर बने, उनकी मेजॉरिटी है उसके अंदर। ऑफकोर्स वी नीड द एक्सपर्ट्स, बट मैं असहमत हूं यहां पे। मान लिया मैं डॉक्टर हूं लेकिन मैं असहमत हूं, क्या आप जजेस के लिए, जब जजेस को जज करने की बात आती है तो क्या आप ऑर्डिनरी सिटीजन वहां बिठाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हर जगह बिठाते हम। आप चाहेंगे कि जो बिल्कुल आप चाहे कि जो मीडिया की ट्राइब्यूनल की हमने जो बताई है ब्रॉड बेस्ड हो जाता है, जैसे मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी जो बनाई हमने उसके अंदर खाली मीडिया वाले नहीं बैठते हैं। अगर वो ही वहां बैठेंगे तो फायदा क्या? मीडिया वाले बिठाते नहीं हो आप। अगर आप समझे कि ट्राई जो है हमारे टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी है, अगर वहां टेलीकॉम कंपनी के वाले ही वहां बैठे होते तो फिर क्या रेगुलेट करते वो लोग, राइट? तो बात तो सही है, रेगुलेटरी बैलेंस आता है। इंडिपेंडेंस रेगुलेशन की बहुत ही बड़ी एक मुद्दा इंडिया के अंदर, थोड़ा जैसे जूरी सिस्टम होता है अमेरिका में कि टेक्निकल जज भी बैठते हैं, टेक्निकल आर्ग्यूमेंट्स होनी चाहिए दोनों तरफ से, और लेकिन आम आदमी कुछ होने चाहिए जो फाइनल टेक्निकल आर्ग्यूमेंट के बेसिस पे फाइनल डिसीजन। और ये आम आदमी भी इवॉल्व इंटेलिजेंट माइंड। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब डॉक्टर को हम बाहर नहीं रखना चाहते, डॉक्टर की एक्सपर्टीज बहुत जरूरी है, लेकिन थोड़ा अगर चेक एंड बैलेंस हो किसी भी सिस्टम में तो बेहतर चलता है। और ड्रग्स के बारे में एक आई थिंक जो एक प्रयोग जो किया गया है कुछ कुछ देशों के अंदर, वो काफी आई थिंक अच्छा प्रयोग वहां हुआ है कि कंज्यूमर को खुद को पावर दिया जाए कि ड्रग सही है कि नहीं है। तो उन्होंने क्या किया है वहां पे कि अगर आप जो ड्रग जो बाय करते हैं उसके पे जो स्ट्रिप होती है उसमें एक बारकोड होता है, नंबर लिखा हुआ होता है, अगर आप वो नंबर पंच करके भेजेंगे सेलफोन के द्वारा किसी कॉमन नंबर को तो वहां से जवाब मिलेगा आपको कि वो ड्रग सही माने में उसी कंपनी ने मैन्युफैक्चर की है कि नहीं की है। तो ये एक बिल्कुल एक अच्छी सिस्टम है जहां हम पूरी बाईपास करके सिस्टम को और कंज्यूमर को एम्पावर कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी यूज करिए हेल्थ का, जैसे डॉक्टर सेत्या ने कहा लाइफ और डेथ के मामले होते हैं, तो इसलिए प्राइवेट सेक्टर और सब तो आना चाहिए, लेकिन इसलिए रेगुलेशन भी स्ट्रांग होना पड़ेगा क्योंकि लाइफ एंड डेथ की बात है और इसमें खिलवाड़ नहीं हो सकता। बिल्कुल, तो ये आपने देखा कि रेगुलेटरी रिफॉर्म के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। टाइम मेरे पास थोड़ा कम है, पॉइंट नंबर 10 पे मुझे जाना है।
पॉइंट नंबर 10 सुनने में बहुत ही आसान लगता है लेकिन सीरियस पॉइंट है क्योंकि कई पब्लिक हेल्थ इश्यूज इससे रिलेटेड है कि हमारी कंट्री में पब्लिक टॉयलेट्स नहीं है। तो हमने सुझाव दिया है कि 500 लोगों हर 500 लोग पे एक पब्लिक टॉयलेट होना जरूरी है और इस तरह से स्टेट्स को इंसेंटिवाइज सेंटर करे कि वो आके पब्लिक टॉयलेट बनाए। तो एक्सपर्ट से पूछने से पहले मैं अपने ऑडियंस से पूछना चाहूंगा कि पब्लिक टॉयलेट्स के को लेके जो अभियान होना चाहिए वो कैसे हो। क्या हमारे देश में पब्लिक टॉयलेट्स को लेके एक बहुत बड़ा व्यापक अभियान छेड़ने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन ये बताएं कैसे हो क्योंकि टाइम बहुत कम है मेरे पास। जी हाँ, अभियान तो जैसे है, इंदिरा आवास योजना है तो उसके साथ साथ हम पब्लिक टॉयलेट्स की भी स्कीम अगर एक, हम लिंक एक, कर एक, दें। एक आवास योजना, यस यस द लेडी देयर। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम पब्लिक टॉयलेट्स को बना लेते हैं दैट इज ओके, बट इफ पब्लिक टॉयलेट का मतलब ही सैनिटेशन होता है, अगर वो ही क्लीन नहीं रह पाए तो सैनिटेशन का तो पूरा उनकी मेंटेनेंस और क्लीनिनेस बहुत जरूरी है। मेरा पॉइंट यही है कि आज भी हम देखते हैं कि लोग स्ट्रीट को ज्यादा प्रिफर करते हैं देन यूजिंग द पब्लिक टॉयलेट। ये तो इसमें लोगों की अवेयरनेस बढ़ाना, उनकी एजुकेशन होना भी बहुत जरूरी है। एक और चीज ये भी मैं बोलना चाहूंगा, क्यों आप देखते हैं अगर मेट्रो स्टेशन का ही एग्जांपल है, वहां गार्ड्स हैं और वो सब हैं, तो कहीं ना कहीं एक डर है हमारे अंदर कि अगर हम पेनल्टी हमें देनी पड़ेगी कि हम अगर हम उसको साफ ना रखेंगे। हाँ जी, तो थोड़ा हमने भी कुछ इनिशिएटिव। मेट्रो का एक तो आप कह रहे हैं गार्ड्स है, दूसरा एक और पॉइंट था कि मेट्रो का क्यों एफिशिएंट क्यों है। जी, आजकल जब हम पब्लिक टॉयलेट्स की बात करते हैं स्पेसिफिकली विमेन और चिल्ड्रन के लिए ये बहुत स्टिग्मेटाइज्ड हो गए हैं, या तो उसके गेट बहुत ही ऐसे पीछे झाड़ियों के कोने पे होते हैं कि उनके लिए वहां पे जाना इज नॉट एक्सेसिबल एंड यू विल ऑलवेज फाइंड सम एंटी सोशल एलिमेंट्स विच आर सिटिंग अराउंड देम अराउंड दोस टॉयलेट्स। राइट, सो दैट मेक्स इट इवन बिगर प्रॉब्लम। सो आई थिंक वी हैव हर्ड ऑलमोस्ट एवरीबॉडी, लेट्स कम स्ट्रेट टू यू। आपने जो कहा है कि बिल्कुल वॉर फुटिंग पे लेना चाहिए, अब आप अगर राइट टू एजुकेशन एक्ट ही देखें, अगर बेसिक चले जाए वहां पे उसमें लिखा हुआ है कि हर एक स्कूल में लड़की के लिए और लड़के के लिए टॉयलेट्स अलग होने चाहिए, पर बहुत कम स्कूल्स में होते हैं। तो ये तो लिटरली एक मिशन मोड पे ले जाना पड़ेगा और हर जगह पे बनाना पड़ेगा। अगर मान लीजिए सरकार ने फंडिंग भी इसके लिए ऑर्गेनाइज कर ली क्योंकि सरकार के पास बहुत रिसोर्सेज होते हैं, उसके बाद क्या करने की जरूरत है? उसके बाद हर एक लेवल पे आप अर्बन के लिए अलग सा सिस्टम होना चाहिए, रूरल के लिए अलग सा सिस्टम होना चाहिए। अब रूरल क्या डिफरेंसेस होंगे? डिफरेंस ये होगा कि रूरल में आप विलेज में जाएंगे, अब जैसे नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंडर एक विलेज हेल्थ और सैनिटेशन कमेटी है, उनको 10,000 हर साल में पैसे मिलते हैं, उसमें से उनको सिखाना पड़ेगा कि भाई थोड़े पैसे आप टॉयलेट हम बना देते हैं, थोड़े पैसे आप यूज करिए उसको मेंटेन करने के लिए। और एक विलेज में एक टॉयलेट तो काफी नहीं होगा, कम से कम मैं सहमत नहीं हूं कि 500 लोग के लिए एक हो, मुझे कम से कम 100 लोगों के लिए एक टॉयलेट। तो आपने तो 5 गुना इसका बढ़ा दिया है। बिल्कुल बढ़ा दिया, क्योंकि आप देखिए 60 साल हो गए हैं, अगर अभी तक हम बेसिक क्लीन वाटर और टॉयलेट्स नहीं प्रोवाइड कर सके तो ये तो बहुत बात है। और आजकल तो टेक्नोलॉजी ऐसे कि कई तरह के टॉयलेट्स हैं, ये नहीं कि सिर्फ रनिंग वाटर चाहिए और ज्यादा रनिंग वाटर चाहिए, कई तरीके से हम टॉयलेट्स ले सकते हैं और कई पब्लिक प्राइवेट इंसेंटिव्स और मार्केट फोर्सेस से सस्ते टॉयलेट्स मिल सकते। सो लास्ट पॉइंट पे टू द पैनल डॉक्टर सेतिया। मेरे विचार में हमें इसमें कॉर्पोरेट को इन्वॉल्व करना चाहिए जो अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत इस मुद्दे पे पैसे खर्चे और टॉयलेट्स बनाए और उनका रखरखाव रखें क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज ऐसे हैं। तो मेरे ये हो जाना चाहिए, मेरे इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। हाँ, 2% अगर उनको अपना प्रॉफिट स्पेंड करना है सीएसआर इश्यूज में, तो अगर पब्लिक टॉयलेट अगर आप आइटम नंबर 1 बना दें, जैसे आप कह रहे हैं प्लांट के सामने, ऑफिस के सामने, किसी रेडियस में वो बना सकते हैं। पार्थ, मेरा ख्याल है कि 21st सेंचुरी के अंदर हमारा मकसद ये नहीं होना चाहिए कि 500 लोगों पर एक टॉयलेट हो, 100 के ऊपर एक टॉयलेट हो, लेकिन मकसद ये होना चाहिए कि हर फैमिली के पास अपना एक टॉयलेट हो। ये पब्लिक टॉयलेट है, प्राइवेट टॉयलेट तो एब्सोल्युटली होने चाहिए पब्लिक फैमिली में। हाँ, तो दोनों चाहिए, पब्लिक तो खैर चाहिए। धीरज, आप इसको समाप्त कीजिए क्योंकि अब प्रधानमंत्री के पास पूरे 10 पॉइंट पहुंचने वाले हैं। हाँ, ये वाला पॉइंट तो सबसे कम कंटेंशियस है हेल्थ, हमें स्वास्थ्य में देखा है कि काफी पॉइंट पे डिबेट हुई है, इसमें तो कोई डिबेट है ही नहीं। इसमें तो किस तरह करना है इसमें तो हाँ, लेकिन अगेन जैसे सुलभ जैसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो टॉयलेट बनाते हैं मेंटेन करते हैं, तो इसमें भी सरकार को अपने आप करने की जरूरत नहीं है, पैसा दें, लेकिन बाहर के लोग एजेंसीज बाहर की कंपनियों को बोल सकते हैं बनाने के लिए। और सफाई का जहां इश्यू है बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेरे ख्याल में अगर हम हमारे देश में सफाई
प्रायोरिटी नहीं लेती, लेकिन अगर कुछ साफ जगह हो जैसे दिल्ली मेट्रो है यहाँ वहाँ है एग्जाम्पल्स, तो लोग को सफरा रखने का इंसेंटिव होता है। तो ये मेरे ख्याल में पूरी इंसमाउंटेबल प्रॉब्लम नहीं है। अगर लोग देखें ये टॉयलेट है, इसकी सफाई होती है, हम साफ रख सकते हैं, तो लोग रखेंगे, लेकिन पहले टॉयलेट तो बनाए। और उसके बाद एक पॉइंट आया था कि अगर उस पर चार्ज लगा दिया जाए, हाँ, चार्ज भी लगा सकते हैं, कम चार्ज, 1 रुपए 2 रुपए, तो उस तरह से रिसोर्सेज भी जनरेट। तो आपने सुना प्रधानमंत्री जी आपके लिए बहुत ज्यादा आइडियाज यहाँ पे आए हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में। ये 10 पॉइंट हैं, ये जब आप प्रधानमंत्री बनेंगे तो हम आके आपको देंगे। हमें उम्मीद है कि आप इस पे पूरी तरह से फोकस करके एक्शन ले पाएंगे। जाने से पहले देखिए ये 10 हमारी पॉलिसी इनिशिएटिव्स क्या हैं।